मोदी जी आप झूठ बोलना बंद करो। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया, क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। शर्माईदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे, ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। जोहार साथियों, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, सिद्धो कानू, इस धरती को मैं नमन करता हूं। 1857 की लड़ाई से भी पहले झारखंड के आदिवासी भाइयों और बहनों ने 1855 में हूल क्रांति की थी, से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, और सिद्धू कानू के नेतृत्व में 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर सिद्धू नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये उनका नारा था। और यहाँ के आदिवासी वो लड़ाई लड़े। ऐसी ही आज देश में हर एक तबर आवाज उठ रही है कि भाजपा हमारी माटी छोड़ो। और उसके अलावा क्यों ये नहीं आ रहा है? उसके अलावा अंग्रेजों ने आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, भ्रष्ट जमींदारों की फौज तैयार की, जो लोगों से जबरन कई गुना लगान वसूलने का काम करती थी। पिछले 10 साल में मोदी जी ने भी अंग्रेज की तरह झारखंड की जल जंगल जमीन पर कड़ा प्रहार किया है। देश के सारे जरूरी जल जंगल और जमीन अपने करीबी 20-25 मित्रों को उन्होंने देकर रखा है। और इस देश में जितने भी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट है, रोड है, हाईवे है, रेल है, सारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में तैयार हो गए थे, वो एक एक करके मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया, क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। शर्माईदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे, ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। और जो आदमी बीजेपी का आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, अरे जरा बैठो, एक बैठो, चुप चुप,
जो आदमी यहां पर से बीजेपी से खड़ा है और यहां से हमारे यादव जी आगे भागे गए, यादव जी जो प्रदीप यादव जो एक बहुत ही मजबूत नेता को हमने आपको दिया है, उसको आप चुन के लाना चाहिए और मोदी को बताना भाई आपका नहीं चलेगा और हमारा जो प्रदीप यादव है इसको हम चुन के भेजेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप मोदी की गवर्नमेंट और चाहते हैं और मोदी के जो लोग यहाँ है वो सब घोटाले करने वाले हैं, गरीबों के तरफ कोई देखने वाला नहीं है। पिछले 10 साल में कई आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के बीजेपी ने हर कदम पर उनका अपमान किया है। अनेक आप सबको मालूम है हमारे एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में है और उस आदिवासी चीफ मिनिस्टर को मोदी ने जेल में डालकर आज इलेक्शन करवा रहा है। हेमंत सोरेन को आप जेल में डालकर इलेक्शन करवाते हो तो इसका बदला झारखंड के लोग जरूर लेंगे और ये बदला लेके रहेंगे। और मोदी कितने भी कोशिश करो, मोदी हमको दबाने की आप कितनी भी कोशिश करो, हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। अरे हम जंगल में रहने वाले हैं, आप सिर्फ महल में रहने वाले हो, आप एसी के अंदर रहने वाले हो, आपको मालूम नहीं जनता की तकलीफ क्या है, आपको मालूम नहीं लोगों की गरीबी क्या है, आपको मालूम नहीं महंगाई क्या है, आपको मालूम नहीं नौकरी क्या चीज है, क्योंकि सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी है। महंगाई इतना बड़ा है उसके तरफ मोदी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। युवकों को नौकरी देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन वो भी नहीं कर सके। बार बार उन्होंने यही कहा जो जब इलेक्शन आता है तब मोदी ने कहा भाइयों और बहनों ये कांग्रेस वाले स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा रखा है, काला धन रखा है, काला धन रखा है, वो काला धन मैं लाऊंगा, 15-15 लाख आपके जेब में डालूंगा। उन्होंने दिया 15 लाख नहीं, वैसा ही फिर हमारे युवकों को बोला कि आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया मोदी ने? दिया नहीं दिया? और उन्होंने बोला किसानों की आमदनी 2 गुना करूंगा, किया? तो मोदी क्या किया? झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं मोदी जी आप झूठ बोलना बंद करो। कृपया अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कृपया बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। भाषण कर
तेजस्वी यादव आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। गठबंधन के ओर से हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, हमारे लड़ाई में वो आगे हैं, हमारे साथ हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उनके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, वो आए हैं, इसके बाद वो भाषण करेंगे, आप सुनना, तब तक आप शांत रीति से बैठिए। भाइयों, हमने बहुत कुछ कहा, भाइयों हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मोदी जी हमेशा हमको ये बोलते रहे कि मैं आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका सम्मान करता हूं, ये हमेशा बोलते आए। लेकिन किसी ने अपमान अगर किया दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, तो मोदी जी ने किया। जब राम मंदिर बनी उस वक्त, उसकी पूजा के वक्त हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी